सुशांत सिंह राजपूत का नाम लेते ही आंखों के सामने हंसता मुस्कुराता हुआ एक शर्मिला चेहरा सामने आता है, लेकिन उसे हम अब कभी देख नहीं पाएंगे क्योंकि इस चेहरे ने मुंबई में अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सुशांत की आत्महत्या की वजह अब तक सामने नहीं आई, लेकिन बताया जाता है कि वो काफी समय से डिप्रेशन से पीड़ित थे और डिप्रेशन की दवाइयां ले रहे थे। सुशांत के इस दुनिया से कूच करने से पहले के 3 घंटे काफी कसमकश में बीते। रविवार सुबह 6:30 बजे जब वो सोकर उठे तो किसी ने नहीं सोचा था कि वो उनका आखिरी दिन होगा और उनकी ये आखिरी सुबह होगी और ये उनसे आखिरी मुलाकात है। दरअसल सुशांत ने आत्महत्या की तो उस समय वो घर में अकेले नहीं थे बल्कि कई लोग थे। सुशांत में उस समय घर में 2 कुक, 1 हेल्पर और 1 क्रिएटिव मैनेजर था। इसके अलावा 1 शख्स और मौजूद था। उनके दोस्त ने बताया कि सुबह सब कुछ ठीक था और सुशांत सिंह भी नॉर्मल लग रहे थे। सुशांत सुबह 6:30 बजे ही सोकर उठ गए थे। घर के नौकर ने उन्हें 9:30 बजे अनार का जूस दिया जिसे उन्होंने पिया और इसके बाद सुशांत सिंह ने अपनी बहन से बातचीत की और इसके बाद वो अपने कमरे में चले गए और कमरा अंदर से लॉक कर लिया। लेकिन जब नौकर खाने के लिए पूछने आया तो दरवाजा अंदर से बंद था और जब नौकर ने नॉक किया तो कमरा नहीं खोला गया। इसके करीब 2-3 घंटे बाद मैनेजर ने सुशांत की बहन को फोन किया। बहन आई तब चाबी वाले को बुलाकर दरवाजा खुलवाया गया और सामने का नजारा देखकर हर कोई शॉक्ड रह गया। सुशांत की बॉडी देखकर किसी को यकीन नहीं आया कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। समझा जाता है कि सुशांत सिंह की मौत 10:00 से 1:00 बजे के बीच हो गई थी। इसके बाद ही नौकर ने पुलिस को फोन किया और अब मुंबई पुलिस जांच पड़ताल कर रही है कि आखिर सुसाइड के पीछे की वजह क्या थी। क्या वजह थी कि इतने स्ट्रॉन्ग और हंसते खेल से इंसान ने इतना बड़ा कदम उठाया। हालांकि अभी तक कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि 4 दिन पहले उनकी पूर्व मैनेजर दिशा ने भी इमारत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।